सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए फुलेरा जोधपुर रूट के नावा से लेकर के कुचावन सिटी तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो इस 15 किलोमीटर के सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं नावा सिटी स्टेशन, जहाँ पे पोल्स पड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे जो है पोल्स लगाने का काम अब शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि आने वाली अपडेट में जो है आपको यहाँ पे पोल्स लगे हुए दिखाई दें, क्योंकि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे पोल्स के लिए चैम्बर्स बना दिए गए हैं और पोल्स डालने की शुरुआत भी उनमें कर दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नावा सिटी के आउटर पे जो कुचामन सिटी वाला आउटर है, वहाँ पे पोल्स लगाने का काम चल रहा है। कोई पोल टेढ़े मेढ़े लगे हैं और जो भी आपको पोल्स लगे हुए दिख रहे हैं सामने, ये अभी फ्रेश लेटेस्ट 3-4 दिनों में ही लगाए गए हैं आउटर तक, क्योंकि जो सीमेंट है उनका कलर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का है। और एक दो पोल्स जो है आपको ऐसे तिरछे पड़े हुए भी दिखाई देंगे, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे पोल्स लगाने का काम अभी चल रहा है। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल दूँ कि वीडियो को आपको लाइक करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देखना है इस वीडियो को, ताकि मेरे को भी जो है ऐसा नहीं लगे कि आप जो है देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप अगर देखने में इंटरेस्टेड रहोगे तो ही मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा टाइमली समय से। और बाकी तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में करते हैं और दिखाता हूँ आपको नावा से लेकर के कुचामन सिटी तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। और हाँ, इस वीडियो में जो है मैं आपसे दोनों लाइनों की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूँगा, नई और पुरानी दोनों ही लाइनों पर कितना काम हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन को, उसके बारे में एक साथ जो है बात करी जाएगी इस वीडियो में। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं पोल्स के ऊपर HTBT लगा दिए गए हैं। उनके पास में एक और पोल आपको दिख रहा होगा, वो पोल इसलिए लगाया गया क्योंकि जो आगे न्यूट्रल सेक्शन होने वाला है या फिर फीडर वायर जो लगाई जाएगी, वो इस एक्स्ट्रा पोल के जरिए जो है उस वायर को आगे तक लेके जाया जाएगा। इस वजह से जो है दो पोल यहाँ पे लगाए हुए दिख रहे हैं आपको पास पास में। और अभी जो नई लाइन है जिस पर ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर पोल लगाने के बाद उन पर HTBT लगा दिए गए हैं और उनके ऊपर वायरिंग भी कर दी गई है। हालांकि अभी वायरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है, वो जो वायरिंग है आपको आगे देखने को मिलेगी थोड़ा। तो देखिए आप फिलहाल नया खारदिया स्टेशन तक कितना काम हो चुका है, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नया खारदिया स्टेशन के बाद। तो यहाँ पे आ चुका है नया खारदिया स्टेशन का आउटर, और जो आपको यहाँ पे ये ब्रिज नंबर 38 दिख रहा है, सिर्फ यहीं तक कि जो नई वाली लाइन है उस पर वायरिंग का काम हुआ है, इसके आगे वायरिंग का काम नहीं हुआ है स्टेशन के यार्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन के यार्ड में जो हॉरिजॉन्टल वाले बूम होते हैं पोल्स के, उनको भी अभी तक यहाँ पे नहीं लगाया गया है। तो देखते हैं ये काम कब तक कंप्लीट हो पाता है। और वैसे तो इस वीडियो में जो फोकस है मेन वो पुरानी वाली लाइन पर ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नई वाली लाइन का भी अलग से जो है मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो वीडियो भी जो है अपलोड कर दूंगा। बाकी आगे चलते हैं नया खारदिया स्टेशन से। तो यहाँ से थटाना मिथड़ी स्टेशन तक जो नई वाली लाइन है उस पर वायरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे HTBT तो लगा दिए गए हैं, लेकिन रेजिस्टर आर्म नहीं लगाए गए हैं, जो कि आप आगे देखने वाले हैं जैसे ही ट्रेन कर्व वगैरह लेती है तो आपको जो है क्लियर विजिबल होगा जिस लाइन पे ट्रेन चली है उस पे वायरिंग का कितना काम हुआ है। तो देखिए आप फिलहाल नया खारदिया स्टेशन से लेके थटाना मिथड़ी तक का सीन क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का।
सो यहाँ पे आ चुके हैं अभी नेक्स्ट स्टेशन, और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि रजिस्टर आर्म एचटीबीटी वगैरह सब लगे हुए हैं, एक तरीके से प्रॉपर वायरिंग जो है यहाँ तक करी हुई है। लेकिन इसके जस्ट बाद में, जस्ट थथाना मीथड़ी स्टेशन से पहले, आप देख पाएंगे कि एचटीबीटी से सिर्फ कैटनरी वायर्स और कॉन्टैक्ट वायर्स को लटकाया हुआ है। वहाँ पर अभी तक स्टेरी ट्यूब और रजिस्टर आर्म अभी तक नहीं लगाई गई है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले एरिया में जो है ये चीज़ करी गई है अभी तक। और नया खारदिया से लेकर के इस थथाना मीथड़ी स्टेशन के बीच का जितना भी सेक्शन था, वहाँ पे नई वाली लाइन पे वायरिंग कर दी गई थी, एक तरीके से प्रॉपर वायरिंग कर दी गई थी। बाकी इसके आगे का क्या सीन है कुचामन सिटी तक, वो आप इस वीडियो में देखिए। आगे मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। थथाना मीथड़ी क्रॉस करने के 500-600 मीटर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी वाली लाइन पर भी, जो पुरानी वाली लाइन है, उस पर भी वायरिंग का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। सो मेरे ख्याल से जो वायरिंग का काम है वो कुचामन सिटी से लेकर नावा सिटी की तरफ हो रहा है। सो पहले यहाँ पे नई वाली लाइन की वायरिंग कर दी है और उसके बाद में जो है यहाँ पर पुरानी वाली लाइन की वायरिंग भी कर रहे हैं। सो कुचामन सिटी तक ये सीन चलने वाले, बाकी आप देखिए आगे, एंड मैं आपसे मिलता हूँ कुचामन सिटी आने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे आ चुका है कुचामन सिटी स्टेशन, और मेनली हमने ये देखा नावा से कुचामन के बीच में कि जो नई वाली लाइन है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन या वायरिंग का काम पहले हो चुका है पुरानी वाली लाइन के कंपेयर में। और पुरानी वाली लाइन पे जो है कुचामन से लेकर नावा की तरफ वायरिंग का काम चल रहा है, ना कि नावा से कुचामन की तरफ। तो देखते हैं आने वाली अपडेट में क्या हमको देखने को मिलता है इस सेक्शन पर, इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में कितनी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। बाकी कुचामन सिटी स्टेशन का तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट नहीं कहना चाहिए लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं आगे हमको क्या देखने को मिलता है आने वाली अपडेट्स में। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि इतना ही तो मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नावा से लेकर के गोविंदी मारवाड़ तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, एंड उसके बाद हम बात करेंगे गोविंदी मारवाड़ से लेकर फुलेरा की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में नई इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के साथ।